इस बार का बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ एक मैच मेकिंग शो बनकर रह गया है। आइए बताता हूं कि आखिरकार टीवी के किस एक्टर ने, जो कि बिग बॉस काफी ज्यादा गौर तरीके से देखते हैं और साथ ही साथ उनकी वाइफ खुद धमाका मचा चुकी हैं बिग बॉस के घर के अंदर, उन्होंने बोली है एक बड़ी बात। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RHLBHOJ राहुल बोध के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। टीवी का ये एक्टर, टेलीविजन जगत का ये एक्टर अब सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। उसे सॉरी फील हो रहा है उन कलाकारों के प्रति जो कि बिग बॉस के घर में अच्छा खेल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल उमर रियाज, फॉर एन एग्जांपल प्रतीक सेजपाल, निशांत जय, विशाल। बता दूं आपको तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोला है कि दिस टाइम बिग बॉस 15 हैज बिकम मोर ऑफ मैच मेकिंग शो। बाय द वे आपको बता दूं तो इस शेफाली जरीवाला के हस्बैंड मिस्टर प्राग त्यागी हैं। ये कहते हैं कि बिग बॉस 15 इस बार मैच मेकिंग शो बन के रह गया है। बुरा लगता है जब प्लेयर्स जैसे कि प्रतीक सहजपाल, उमर रियाज, निशान, जय, विशाल जैसे अमेजिंग प्लेयर्स अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हों और रियली अच्छा एक ग्रेट गेम खेल रहे हो, बट साइडलाइन किए जा रहे हों। और सीम्स दिस बीबी इज अबाउट लव स्टोरी, नॉट एक्चुअल बिग बॉस गेम। ओके, देखते में ऐसा लग रहा है कि ये बिग बॉस अब सिर्फ और सिर्फ एक लव स्टोरी बनकर रह गया है, एक्चुअल बिग बॉस नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये मिस्टर पराग त्यागी का कहना है जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और प्लस बिग बॉस को लेकर अलग अलग तरीके की बातें बोलते रहते हैं। अब आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है फीफा फूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं, आप लोग अपना ख्याल रखें।